हेलो हेलो, गुड हाँ मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। एग्जाम्पल एग्जाम हाँ बोलो। एग्जाम्पल 18 डिस्कस करना है ना। चलो बोलो। सेकंड वाला, टेंजेंट ऑफ अ एंगल इज 2.4। क्या दिक्कत है? टेन थीटा 2.4 दिया हुआ है, विच इज 24/10, विच इज हाउ मच? 12/5। क्या निकालना है? कोसेक निकालना है। नहीं निकाल सकते हो कोसेक ऑफ सप्लीमेंट ऑफ डबल दिया एंगल। सप्लीमेंट क्या होता है? ये होता है ना। हेलो, क्या हो गया? हेलो, यस सर। अरे आवाज आ रही है ना। यस सर। हाँ, तो टैन थीटा मालूम है, तो ट्रायंगल बना के तुम कोसेक थीटा नहीं निकाल सकते हो। क्या होता है कोसेक थीटा? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा कितना होता है? साइन थीटा कितना होता है बताओ? यहां पे इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा? 12/13 होगा ना। हो गया, क्लियर है? यस अगर साइन थीटा मालूम है, अब निकालना हमको ये है, कैसे निकालोगे बताओ? तो मतलब 1/sin θ/2 चाहिए ना। sin θ/2 कैसे आएगा बताओ? तुमको इस ट्राइंगल से क्या मालूम है? कॉस थीटा मालूम है ना, 5/13। अगर कॉस थीटा मालूम है, तो sin θ/2 निकाल सकते हो। अगर कॉस थीटा मालूम है, तो क्या sin θ/2 निकाल सकते हो? सर हेलो, कैसे? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 टू साइन साइन स्क्वायर थीटा थीटा बाई टू थ्री तो इससे आ जाएगा ना sin θ/2। फॉर्मूला अभी भी याद नहीं हुए क्या बेटा? इतना क्लियर है? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। एट 8th वाला, सर। सिक्स्थ वाला भी। कौन सा बेटा? सिक्स्थ। सिक्स्थ वाला, वही आ गई ना बात बेटा। क्या दिक्कत है? कोसेक कॉस ए कितना है? 0.28 है, तो 10 a/2 निकालना है। एम्बिग्यूटी मतलब एम्बिग्यूटी मतलब कि आपके साथ 10 a/2 के दो आंसर आ रहे होंगे। आपका 10 a/2 में दो आंसर, उस पार्ट को छोड़ दो ना, बस 10 a/2 निकाल लो। ठीक है, तो 10 a/2 कैसे निकलेगा? sin²a/2 कितना होता है? 1 - cos a है ना, और 2 cos²a/2 कितना होता है? 1 + cos a। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 10² a/2 इज इक्वल टू 1 - cos a बाई 1 + cos a। चमका, तो कितना हो जाएगा? 1 - 0.28, 0.72 बाई 1.28। ये और ये कट जाएगा। बोलिए, क्लियर है ना? तो आपके दो आंसर आ गए ना यार, कि 10 a/2 की वैल्यू प्लस में √72/128, और 10 a/2 की दूसरी वैल्यू भी आ गई −72/128। तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आ गई ना, कि दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन आंसर तो देखना पड़ेगा ना। ए पर डिपेंड करेगा ना आंसर, कैसे डिपेंड करेगा बताओ? चलो, अब जब क्वेश्चन छेड़ ही दिए हो तो अच्छे समझते हैं। अच्छा ये बताओ, कॉस ए 0.28 है, इसका मतलब ए क्या कर रहा है? ए या तो 0 से 90 में है, या ए कहां पे है? अगर कॉस ए पॉजिटिव है तो ए कहां होगा? है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट ना। इसका मतलब 270 से 360। 270 से 360। ये बात क्लियर है? यस ए जो होगा वो 270 से 360। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब
दो ऑप्शन है तो a बाई टू कहां से कहां रहेगा, या तो 0 से 45 और या तो a बाई टू कहां से कहां रहेगा 135 से 180। ये क्लियर है क्या? यस सर। तो अगर a जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो tan a बाई टू का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, मतलब ए जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ए बाय टू कहां आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वहां पे टेन ए बाय टू क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। टेन ए बाय टू कितना आ गया, -72/120। इतना क्लियर है? ठीक है, यस सर। दो आंसर आ गया ना, ये एम्बिग्युटी थी, कॉपी करो। इसमें के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिए थे आपको। कॉपी कर लिए? दो मिनट्स। अलग करें? यस सर। नेक्स्ट बोलो। एट्थ वाला साइन थीटा प्लस साइन फाइव। एक मिनट यार, रिफिल को नहीं काम कर रहा। ए ये क्लास में शायद कराया नहीं कराया था क्या? क्या निकालना है? टेन थीटा माइनस फाइव बाई टू है ना। अब सोचो टेन थीटा माइनस फाइव बाई टू तो निकाल सकते हैं, अगर टेन थीटा माइनस फाइव रहे तो। और टेन थीटा माइनस फाइव तब निकाल सकते हैं जब कॉस थीटा माइनस फाइव रहे तो। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या होगा बोलो। वन वन आ जाएगा, टू आ जाएगा। चलो चलो स्क्वायर करके ऐड करते हैं। बताओ कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन, साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव वन, टू साइन थीटा साइन फाइव प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है?
तो क्या आ गया बताओ, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बाई टू। बोलो भाई इतना क्लियर है? यस सर। अरे क्लियर है ना इतना, है ना? अभी कॉस थीटा माइनस फाइव आ गया और टेन चाहिए, तो कैसे निकालोगे बताओ? कॉस थीटा माइनस फाइव कैसे आया? अरे ये क्या होता है, कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन। हाँ अब बताओ ये कैसे निकाले, बोलो। कॉस थीटा माइनस फाइव आ गया, टेन थीटा माइनस फाइव बाई टू कैसे निकाले बताओ? अभी आज ही किया है बताओ। कॉस को टेन के टर्म्स में लिखें, कॉस को टेन में लिख दे, टेन थीटा माइनस फाइव निकाल लेंगे, फिर उससे क्या होगा? अभी आज ही किया है, अभी आज ही किया है। देखो ना, कॉस साइन स्क्वायर ए बाई टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए क्या होगा बताओ? वन माइनस कॉस टू है ना, और टू कॉस स्क्वायर ए क्या होगा बोलो? वन प्लस कॉस टू है ना, आज ही तो किया था है ना। डिवाइड कर दे, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? टेन स्क्वायर ए कितना आ गया? वन माइनस कॉस टू ए बाई वन प्लस, अरे बोलो हाँ या ना, समझा? Yes. बार बार फॉर्मूला बन जा रहा है ना। अच्छा तो बताओ क्या हो जाएगा फिर, यहाँ बोलो वन माइनस क्या लिखना पड़ेगा अपन को? वन माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव भाई, बोलो वन प्लस कॉस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? टेन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई टू, टेन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई टू आएगा। ये क्लियर है? अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। अभी डाल दो वैल्यू, अभी कॉस थीटा माइनस फाइव की वैल्यू मालूम है तुमको ना, यहाँ पे डाल के आ जाएगा आंसर। क्लियर है क्या? और फिर रूट ले, और फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अरे इतना क्लियर है बेटा? टू नहीं डालेंगे क्या बेटा? सर टू वन माइनस कॉस टू है ना? अरे हाँ, तो वन माइनस वही तो है, कॉस ऑफ डबल है। तुम समझ नहीं रहे हो ना, यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एंगल है उसका आधा है ना यहाँ पर। हाँ सर, यहाँ जो भी एंगल रहेगा उसका आधा है ना। तुम लोग बात क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? फॉर्मूले में यहाँ टू ए है तो यहाँ ए है, यहाँ थीटा माइनस फाइव है तो यहाँ पर क्या होगा? थीटा माइनस फाइव बाई टू होगा, समझे? Yes. अरे क्लियर है? Yes. नेक्स्ट बोलो। सर ये ऑफ हो गया। नहीं नहीं ऑफ नहीं हुआ, कॉपी करो इसको। एंगल्स को आपस में खेलना आना चाहिए, इसीलिए शुरू के एक से लेकिन सात क्वेश्चन थे। आप लोगों को मैंने ट्रायंगल से आधा करना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया सर। हाँ ठीक है, कॉपी करो चलो। थोड़ा जल्दी डिस्कस करते हैं, ठीक है? फटाफट बोलो, मुझे थोड़ा सा काम भी है, बच्चों का एग्जाम चल रहा है ना, एडवांस वालों को जाना होगा उनसे मिलने।
कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। तो 14th पर आ पड़ता। हाँ आ रहा हूँ, रब करूँ इसको? यस सर। हाँ सर। हाँ बोलो, कौन सा बताना है? 14। अरे देखो, सेक वेक तो मत समझो यार, सेक वेक कुछ होते नहीं है, सब कुछ को कॉस वॉस में चेंज कर दिया करो। तो सेक थीटा क्या होता है? 1/cos θ ना। तो ये क्या लिखा है? कॉस ऑफ पाई बाई 4 + θ इंटू 1/cos ऑफ पाई बाई 4 - θ। क्लियर है? यस सर। अभी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 - sin²θ। क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 कितना होता है? 1/2 - sin²θ। क्लियर है? एलसीएम ले लो तो 1 - 2 sin²θ। क्लियर है? और ये क्या बन गया? 2/cos²θ। समझा सर। और ये 2 sec²θ। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे आपको क्लास में, आपको ध्यान हो तो। सर ये कौन सा? थर्ड स्टेप ये वाला बोल रहे हो? हाँ सर। फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट बोलो। शायद क्लास में किया था मैंने इसका। रब करे 15 वाले में कौन सा इक्वलिटी प्रूव करना है? पहला दूसरा पहला तीसरा कौन सा प्रूव करना है? पहला दूसरा। tan 45 plus a by 2 is equals to 1 plus sin a by 1 minus sin a. Okay. ठीक है, तो tan a by 2 बन जाएगा, और tan a by 2 को फिर उस cos में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आने का ट्राई करता हूं मैं, देखता हूं कुछ कर पाता हूं क्या। देखो 1 + sin a / 1 - sin a। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैं कैसे करूं, मैं कंफ्यूज हूं किस तरीके से करूं मैं। सर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे 1 + sin a। हाँ वो एक तरीका है। फिर मैंने एक वन को सोच रहा था चेंज करने को साइन स्क्वायर ए बाई टू से। ठीक है, मैंने दो तरह से कर रहा हूं। इस वन को लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर ए बाई टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन ए को, तुम लोग ये फॉर्मूला समझो, 2 sin a / 2 cos a / 2। ठीक है, और इस वाले वन को वापस से मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू -2 sin a / 2 cos a / 2। बोलो क्लियर है ये? यस। अरे बताओ क्लियर है ये अच्छे से? हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी ये क्या ऊपर में क्या बन जाएगा? sin a / 2 + cos a / 2 का होल स्क्वायर।
और नीचे में साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ये चमका। तो अभी स्क्वायर रूट ले लो तो क्या बन जाएगा, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, बोल लो ये चमका। यस यस सर। अभी साइन ए बाई टू कॉमन निकाल लो तो ये चमका। साइन ए बाई टू कॉमन निकालोगे, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। तो ऊपर में लिखा हुआ है यहां पर कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे में लिखा हुआ है सॉरी माइनस साइन ए बाई टू का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू बाई कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू, यहां तक चमक रहा है ना। कॉस ए बाई टू बाहर निकाल लो, तुम्हारा आ जाएगा वन प्लस टेन ए बाई टू बाई वन माइनस, आई होप यहां तक क्लियर है। यस सर। मैंने कॉस ए बाई टू बाहर निकाला तो वन प्लस टेन ए बाई टू और वन माइनस टेन ए बाई टू, और ये तो सेम होते हैं ना। कैसे, वन को लिख दोगे टेन पाई बाई फोर प्लस टेन ए बाई टू, अरे चमकता है ना। हाँ सर। और वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन ए बाई टू, यही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये क्लियर है क्या। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉपी करो। नेक्स्ट बोलो। 20 20 याद है सबको, 16 17 18 19 सारा क्लास में कराया है, याद है कि नहीं। याद है कौन सा करना है मुझे, 20 cos 2 थीटा cos 2 phi प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, इतना ही करना है ना। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, बोलो। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, बोलो। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना। तो आपका ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन टू थीटा, इसका माइनस बाहर निकाल लिया है मैंने। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस टू थीटा कॉस टू फाइव, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा बताइए, तो फॉर्मूला लिखा है ना सीधा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस टू थीटा प्लस कॉस टू फाइव, क्लियर है। नेक्स्ट बोलो। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट बोलिए फटाफट। वेट नहीं करो, बोलो। तुम लोग को मैंने साइन 18 वगैरह का वैल्यू निकलवा दिया, नहीं निकलवाया अभी तक, बताया था। हाँ तो बताओ फिर, नेक्स्ट बोलो, डाउट बोलो। 21 22 21 जो जितना डाउट पूछता है उसका उतना अच्छा होते जाता है पढ़ाई, ये बात ध्यान रखना। टेन फोर ए प्लस टेन टू ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर थ्री ए टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो टेन फोर ए और टेन टू ए कैसे होगा बताओ, टेन फोर ए को क्या लिखे,
tan 3a plus a plus, देखो ध्यान से, tan 3a minus a, इतना क्लियर है? यस सर. ठीक है, अभी tan 3a plus a को क्या लिख सकते हैं, tan 3a plus tan a by 1 minus tan 3a tan a. अब सोचना बस इतना है कि सर आपको कुछ समझ में आया, 3 और a, क्योंकि यार यहाँ पे 3 और a था और यहाँ पे 4 और 2 था, तो 4 और 2 को 3 और 1 में चेंज कैसे कर सकते हैं, 3 plus 1 और 3 minus 1, तो tan 3a minus tan a by 1 plus tan 3a into tan a, इतना क्लियर है क्या? अभी LCM ले लो, tan 3a into 1 plus tan 3a tan a plus tan a into 1 plus tan 3a tan a plus tan 3a into 1 minus, हाँ सर अभी क्लियर है, 1 minus tan 3a tan a minus tan a into 1 minus tan 3a into tan a by 1 minus tan square 3a into tan square a, इतना क्लियर है? LCM लिया है, नॉर्मल कुछ किया नहीं है, बस LCM लिया है, इतना क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर. यस सर. अभी tan 3a के साथ टर्म्स को कलेक्ट कर लो ना, tan 3a के साथ क्या क्या आ गया, 1 plus tan 3a tan a plus 1 minus tan 3a tan a, अरे क्लियर है ना इतना? और tan a के साथ क्या आ रहा है बताओ, 1 plus tan 3a into tan a minus 1 plus tan 3a into tan a, क्लियर है? तो ये और ये कट गया, और सॉरी ये नहीं कटेगा, और ये कट गया. ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, 2 tan 3a plus 2 tan square a into tan 3a by 1 minus tan square 3a into tan square a, इतना क्लियर है? ठीक है, तो अभी देखो, और इनटू मल्टीप्लाई था ना ये पार्ट, तो अरे हेलो, तो ये और ये कट गया ना, और यहां से 2 tan 3a बाहर निकाल लो, 2 tan 3a बाहर निकालोगे तो क्या लिखा है, 1 plus tan square a लिखा है, जो कितना होता है, 1 plus tan square a कितना होता है, sec square a. ठीक है, नेक्स्ट बोलो सर, 2 मिनट कॉपी कर. हाँ कॉपी करो सर, थोड़ा मूव हो सकता. हाँ सर, आपने सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या किया यहाँ पर? हाँ सर, tan 3a tan 3a कॉमन लिया, और 1 plus tan 3a 1 minus tan 3a,
वन प्लस टेन थ्री है, वन माइनस टेन थ्री, तो ये और ये कट गया, टू बचा। ऐसे ही टेन ए टेन ए, टेन ए कॉमन लिया, वन प्लस टेन ए टेन थ्री ए, और माइनस में ये थी और ये कट गया, समझा? यस सर। कॉपी करिए। और लास्ट स्टेप एक बार हो बताएंगे कौन सा, ये वाला स्टेप? हाँ सर। ये और ये कट गया, उसके बाद तो फिर टेन थ्री ए बाहर निकाल लिया, क्या बचा? वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, बस। क्लियर है? हाँ सर। ट्वेंटी टू बस। ट्वेंटी टू, वन प्लस टेन अल्फा बाई टू माइनस सेक अल्फा बाई टू इंटू वन प्लस टेन अल्फा बाई टू प्लस sec alpha by 2 is equals to sin alpha sec square alpha by 2। ठीक है, तो ये पार्ट कैसे होगा? देखो, 1 plus tan alpha by 2 minus sec alpha by 2। तो I think, अरे कुछ नहीं है, ये देखो और ये देखो, ठीक है, तो 1 प्लस टेन अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू टेन अल्फा बाई टू माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू। कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, क्या लिखा है ये, लाना क्या है मुझे? हाँ, तो वन प्लस टेन अल्फा बाई टू ये लिख दिया मैंने, अभी इसके बाद एक मिनट क्या चल रहा है, तो टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो ये तो वन, ये कितना होता है, एक मिनट, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई, कुछ तो यहाँ पे क्या हो गया सर, ये 1 plus 10 alpha by 2 तो पूरा एक ही टर्म है ना, तो उसका अलग अलग कैसे स्क्वायर कर सकते, अलग अलग स्क्वायर कहाँ किया, मतलब सर सेकंड स्टेप के बाद आपने बोला ना a plus b का होल स्क्वायर, अरे हाँ, तो a plus b का इसका स्क्वायर किया ना, a square plus b square, a plus b का होल स्क्वायर, तो 1 plus ये plus ये, ये कट जा रहा है ना सीधा, फर्स्ट स्टेप में सही तो है, अरे सही है यार, ठीक है,
ठीक है, अभी टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू और सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस है ना, क्या होगा माइनस वन होगा, तो वन माइनस वन प्लस टू टेन अल्फा बाई टू कट गया ना, क्या आ गया टू टेन अल्फा बाई टू। जरा इधर चलो, साइन अल्फा क्या होता है, टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू कितना होता है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो ये कट गया कितना आ गया टू टेन अल्फा बाई टू, हो गया ना प्रूफ, टू टेन अल्फा बाई टू, टू टेन अल्फा बाई टू। अरे एक ही टर्म कैसे है, अभी इतना कर दिया, अब इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने से तुम थोड़ा मुझे रोक सकते हो। समझा सर, यहां तक क्लियर है? यस यस सर। सो साइड प्लीज। हाँ बेटा, फर्स्ट स्टेप नहीं समझा, कौन सा फर्स्ट स्टेप आकांक्षा? अरे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो इसको ए लिया और इसको ए लिया, इसको बी लिया, इसको बी लिया, यही तो क्वेश्चन मैं तुमसे पूछा था तुम्हारे से, तुमको फोन जब मेरी तुमसे फोन पे बात हुई थी, यही तो फॉर्मूला पूछा था तुमसे मैंने। सर हाँ, राइट हैंड साइड का फर्स्ट स्टेप कैसे आया? राइट हैंड साइड का फर्स्ट स्टेप ये वाला? नहीं नहीं, राइट हैंड साइड वो साइन अल्फा ये वाला। हाँ अरे साइन अल्फा को टू साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू लिखना नहीं आ रहा है सर, आपका वीडियो नहीं देखना। हाँ 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 हाँ, साइन अल्फा को टू साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू लिखना नहीं आ रहा है क्या अभी तक? समझा, रब करे। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं कुछ पढ़ा देता हूं, बहुत दिन से कुछ पढ़ाया नहीं है। ठीक है, समेशंस ऑफ साइन एंड कोसाइन, ये पढ़ाया था क्या? When angles are in AP, पढ़ाया है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, देखो साइन थीटा, साइन टू थीटा
एंगल्स आर इन एपी, एपी का मतलब पता है क्या सभी को? हाँ सर, क्या होता है एपी का मतलब? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या? अरे अरे फुल फॉर्म तो मुझे भी आता है गधे, मतलब क्या होता है? कंटीन्यूअस सीरीज, जिसमें डिफरेंस सेम हो, जिसमें डिफरेंस सेम हो। यहाँ पर देखो तो इन सारे क्वेश्चंस में एंगल्स का डिफरेंस सेम है क्या? हाँ सर, इन सारे में एंगल्स का डिफरेंस सेम है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है? है सर। अरे है ना यार, कैसे नहीं है? यहाँ पे थीटा है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे क्या है? टू थीटा। यहाँ पे क्या है? थ्री थीटा। थ्री थीटा, ठीक है। तो कॉपी करो इसको, पहले कॉपी करो। हो गया सर, ठीक है। तो अब इसमें स्टेप्स क्या, मेथड देखो सॉल्व कैसे होता है। मेथड टू सॉल्व, मेथड टू सॉल्व, मल्टीप्लाई दी सीरीज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दी सीरीज बाई ट्वाइस साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई टू, देन इन न्यूमरेटर, इन न्यूमरेटर ऑन ईच टर्म, ऑन ईच टर्म अप्लाई प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। कॉपी करो। सर वो आपने क्या लिखा है, टू साइन सीडी? क्या सीडी मतलब बेटा? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? थीटा है ना, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? टू थीटा। यहाँ पे कितना है? थ्री थीटा। मैं मैंने लिखा है टू साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और फिर न्यूमरेटर में ईच टर्म में प्रोडक्ट टू सम अप्लाई करना है। ठीक है, कौन सा रूल? प्रोडक्ट टू सम। ओके, नहीं याद है? याद है, टू साइन ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन कॉस बी साइन ए वाला फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो भैया कॉपी करो। डन सर। दो मिनट। हाँ हाँ, कॉपी करो, मैं ऊपर रब कर रहा हूँ। थोड़ा साइड
रैप करें? यस सर। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं क्या बोला मैंने, ठीक है? देखो साइन थीटा, मैं यही साइन थीटा साइन टू थीटा, मैं आपको तीन चार क्वेश्चन करके दिखाता हूं, साइन थ्री थीटा अप टिल साइन टेन थीटा, ठीक है? मैंने क्या बोला क्या करना है? पूरे सीरीज को, पूरे सीरीज को बोलो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बाय टू। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है एंगल्स का? थीटा, थीटा है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा? टू साइन थीटा बाय टू, टू साइन थीटा बाय टू। इतना क्लियर है? हाँ सर। अभी अगला स्टेप क्या करूंगा मैं बताओ, वन बाई टू साइन थीटा बाय टू रखा और इस टू साइन को अंदर ले गया, तो टू साइन थीटा बाई टू साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा बाई टू साइन टू थीटा प्लस टू साइन थीटा बाई टू साइन थ्री थीटा प्लस टू साइन थीटा बाई टू साइन टेन थीटा। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी क्या होगा बताओ? प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम, यस सर, टू सम। तो लगाओ प्रोडक्ट टू सम, टू साइन ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस टू साइन थीटा बाय टू साइन थीटा। टू साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो क्या होगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सेकेंड टर्म टू साइन थीटा बाय टू साइन टू थीटा। बोलो क्या होगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आई होप सभी को चमक रहा है। टू साइन थीटा बाई टू साइन थ्री थीटा। क्या होगा? कॉस ए माइनस बी। अरे चमक रहा है क्या? हेलो सर। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? देखो कुछ हो रहा है क्या? अच्छा कुछ मस्त सा हो रहा है क्या? मस्त सा कॉस ये कितना आएगा बताओ? कॉस 19 थीटा बाय टू माइनस कॉस। कुछ अच्छा हुआ क्या? देखो तो कॉमन टर्म आ रहे सर, कट हो गए। जोड़ने पे कुछ कट रहा है ना, ये और ये और ये और ये और ये और ये। चमका, ये कट गया ना सारा, है ना? तो क्या आ गया फाइनली? कॉस थीटा बाय टू माइनस कॉस, अरे बोलो यार, 21 थीटा बाय टू। ये आ गया ना? किसका आंसर आया ये? ब्रैकेट के अंदर वाला। इसका आंसर आ गया ना? ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बताओ? फाइनल आंसर बोलो क्या आएगा? कॉस थीटा बाई टू, चाहो तो लगा दो कॉस सी माइनस कॉस डी, मैं नहीं लगा रहा हूं। वन बाई बोलो टू साइन थीटा बाई टू। इतना क्लियर है क्या? यस सर। थोड़ा सा राइट साइड में लो ना, कॉपी करो सर। कॉस रहेगा तभी भी कॉस से करना है या साइन से ही करना है? नहीं नहीं कुछ भी रहेगा साइन से करना है। सर बोलो।
सर वो फर्स्ट स्टेप में टू साइन थीटा बाय टू कट फर्स्ट स्टेप में टू साइन थीटा बाय टू हाँ वो और उसके लिए टू साइन थीटा बाय टू है तो कट रहा है ना वो दोनों हाँ तो वही तो किया है ना वही तो बताया ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और फिर इस वाले को अंदर लेते जाना है और इसको बाहर रखना है वही तो सिखाया है तुमको उस सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो और इसको अंदर लेते जाओ तभी तो मैनिपुलेशन हो रही है और ये चीज बाहर बैठा हुआ है वेट कर रहा है फाइनल आंसर का मैनिपुलेशन ऐसे ही करते हैं ना चीजों में नेक्स्ट बोलो कॉपी करो सबको क्लियर है कैसे करना है यस सर तो फाइनल आंसर साइन थ्री थीटा बाय टू आएगा फाइनल आंसर साइन थ्री थीटा बाय टू क्यों फाइनल आंसर तो ये है ना तो फिर उसको भी कॉस सी माइनस कॉस डी करने के बाद हाँ लगा दो तो 21 है हाँ सर तुम टू समझ रहे हो 21 हाँ सर टू से और इतना क्लियर है हाँ सर यस ठीक है हाँ नेक्स्ट क्लास के लिए जो होमवर्क रहेगा वो स्टेट बोर्ड की बुक वन का चैप्टर वन और चैप्टर टू ओके सर और स्टेट बोर्ड की बुक अच्छी बुक है उसका पहले सभी लोग सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छी बुक है पहले सब लोग सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ठीक है कौन से स्टेट का महाराष्ट्र हाँ महाराष्ट्र अपन के यहाँ रहते हैं मैंने बुक शेयर तो की है ग्रुप पे आपके ग्रुप पे तो बुक है कि नहीं है हाँ सर ग्रुप पे बुक है ना फिर काय को परेशान कर देगा चैप्टर वन चैप्टर टू ठीक है फिर थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा हाँ हाँ रब करें सर दो मिनट सर वो लास्ट में अपने क्या लिखा है कॉस उसके बाद क्या लिखा है कहाँ पे यहाँ पे नहीं सर वो टू साइन थीटा बाय टू इनटू साइन टेन थीटा हाँ तो उसका उसमें वो फॉर्मूले में क्या लिखा है कॉस उसके बाद क्या लिखा है इसके बाद कह रहा है यहाँ कह रहा है कि यहाँ कह रहा है साइड में लेफ्ट साइड में सर नीचे वाला ये वाला हाँ सर cos 21 theta by 2 उसके पहले क्या लिखा है सर cos 19 theta by 2 सर ये कब लगाना है जब सीरीज बहुत बड़ा हो या छोटा तभी भी लगा सकते हैं कभी भी लगाओ बे तुम ऐसे सम निकालोगे कैसे बे निकाल ही नहीं पाओगे ना सर साइन सी प्लस साइन पहले भी तो करते थे साइन सी प्लस साइन डी से अरे बहुत बड़े हैं ना दो मेरखंड 10-15 टर्म है ना कैसे लगाओगे हाँ वही बोल रहा था कि सिर्फ बड़ा रहेगा तभी लगाना है या छोटे में भी कर दे क्वेश्चंस करोगे समझ में आएगा ठीक है
कॉपी कर लिए सर? ऐसे क्वेश्चंस वो चैप्टर वन चैप्टर टू में भी है क्या? दिखेंगे पता नहीं क्यों क्या हुआ ऐसे ऐसे पूछ रहा था। चलो ठीक कॉपी कर लो उसको। अपन अभी तो सेमेस्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पहले चैप्टर अभी भी लोगों को फॉर्मूले याद नहीं हुए ना, तो चैप्टर वन चैप्टर टू पहले कर लेते हैं ना अच्छे से एक बार, ठीक है सर? वो स्टेट बोर्ड के बुक का पार्ट वन या पार्ट टू? पार्ट वन बेटा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री होगी, पार्ट वन, चैप्टर वन चैप्टर टू। ठीक है रब करे क्या? यस सर। अरे सबने कॉपी कर लिया ना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर वन चैप्टर टू होमवर्क करके आओ, ठीक है सर? बट उसमें चैप्टर वन तो मेजरमेंट ऑफ एंगल है। हाँ तो क्या हुआ, पढ़ो खुद से, बनाओ उसको थोड़ा, तो खुद से पढ़ोगे ना, वो गार्डियन वार्डियन सब है, पढ़ो खुद से, ठीक है? ओके okay.